रत्नावर्ती का शो में आज खास बातचीत करी जा रही है विद हवामहल विधानसभा से प्रत्याशी श्री 1008 बालमुकुंदाचार्य जी से। तो सबसे पहले तो आचार्य जी आपको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आध्यात्मिक से राजनीति का सफर कैसे देखते हैं आप? अध्यात्म से राजधर्म जी, कि ये राष्ट्र सेवा के लिए जी और देवतुल्य जनता की सेवा के लिए ये सेवा का दायित्व दिया गया है, न कि कोई पद दिया है, न कोई प्रतिष्ठा है इसमें। सिर्फ ये सेवा का दायित्व है। जो हम संगठन में काम करते हैं तो हमारे यहाँ परंपरा है कि संगठन में कार्यकर्ता को कोई भी काम दे दिया जाता है, तो वही काम मुझे यहाँ दिया गया है कि परकोटे में सेवा करनी है, हवामहल विधानसभा के द्वारा सेवा करनी है और यहाँ की दशा सुधारनी है और जो परकोटा अपना वैभव खो गया उसे वापस पुनर्जीवित करना है। जीत के बाद आपकी भावी योजनाएं क्या रहेंगी? परकोटे की जो दुर्दशा कर दी गई और परकोटे में जिस प्रकार का जाम इस समय है तो वो समस्या है भारी। माताएं बहनें परकोटे में खरीदारी को आवे तो चैन टूट जावे, पर्स चोरी हो जावे, आम घटना है। परकोटे में आप ढूंढें तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है और विशेषकर परकोटे का जाम जो है वो सबसे बड़ा सरदर्द है। उसकी वजह से बाहर का आदमी, व्यापारी आदमी, टूरिज्म वो बिल्कुल आता ही नहीं है, उससे व्यापार यहाँ का चौपट हो चुका है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संतों की भागीदारी राजनीति में बढ़ती जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? राम जी कृष्ण जी के आप जमाने से देखें जी, राजा विक्रमादित्य के समय से देखें तो हमारे यहाँ सनातन में परंपरा रही है कि राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे तो दो ऋषि बैठा करते थे, उनका दो कुर्सी होती थी। हाँ जी। और दो ऋषि जो बैठते थे, जो संत बैठते थे, राजा उचित न्याय करे, कोई अनुचित कार्य ना करे, राजा भी कुछ गड़बड़ करे तो उसको दंड देने का अधिकारी धर्मगुरु का होता था। इसलिए ये पुरानी परंपरा है हमारे सनातन में कि अध्यात्म से जुड़ाओ, धर्म से जुड़ाओ और लोकतंत्र सबको अधिकार है साहब। यहाँ चाय बेचने वाला भी आदमी सेवा करते हुए सेवा के बड़े धर्म में प्रधानमंत्री के रूप में बैठ सकता है जी, और यहाँ सेवा पूजा ब्राह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति और राजधर्म निभाने के लिए ये दायित्व ले सकता है। हमारे यहाँ तो संगठन में परंपरा है, कार्यकर्ता को कोई भी काम दिया जाता है। आपने धर्म के द्वारा, हम कह सकते हैं, काफ़ी लोगों के दिलों पर आपने राज किया, काफ़ी उनके करीब रहे, जनता के बीच में आप बहुत रहे क्योंकि आपने उनकी समस्याओं को सुना है काफ़ी समय से। तो उस हिसाब से आप जैसे मंदिर भी है, आपका धर्म भी है, अब राजनीति भी है, दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाना आपको कैसा लगेगा? हम सब पूजा पाठी लोग हैं, भले वो मेरा मंदिर सेवा हो, किसी के घर में मंदिर सेवा हो, किसी के पड़ोस में मंदिर सेवा हो, हम सब लोग सेवा पूजा करते हैं, ये तो हमारे स्वभाव में। तो सेवा पूजा वो अध्यात्म वो हमारा प्रथम कर्म है सनातनियों का, और साथ में हमें संगठन ने सिखाया है कि हमें किसी भी रूप में और सेवा के काम भी करने, राष्ट्र धर्म भी निभाना है, राष्ट्र की सेवा में भी किसी न किसी रूप में रहना है। तो यह तो हम राष्ट्र की सेवा को समर्पित है ये काम। प्रत्याशी बहुत सारे हैं, सब लोग मैदान में हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपका स्वरूप, आपकी सोच अलग हटके है। मैं आपको एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। आप अलग हटके ऐसा क्या करना चाहेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया या किसी के दिमाग में भी नहीं है, ऐसी कोई योजना जनता के लिए? जब इस समय हम शपथ लेके आप लोगों के बीच आएंगे, वहाँ से योजनाएं प्रारंभ उसी दिन से हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। पूरे राजस्थान में बहुत अच्छे बहुमत से हम आ रहे हैं, कमल खिल रहा है और कमल आसन है लक्ष्मी का, सामी दिवाली है, दिवाली पर लक्ष्मी जी विराजमान होकर साल भर की समृद्धि देती है, लेकिन इस बार जो दिवाली पर लक्ष्मी आएगी वो 5 साल की समृद्धि देगी, आने वाले 50 साल की, 100 साल की, 200 साल की और समृद्धि साथ लाएगी। इस प्रकार की दिवाली होगी तो जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय का जो अपना एक संकल्प है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना है, विश्वास जीतकर वही काम हम सब करने वाले हैं। परकोटे में जो व्यापार खो गया है वो व्यापार वापस लाना है, परकोटे में जो पलायन हो रहा है उसको वापस लोगों को उन्हें लाना है, परकोटे में जो जाम की सबसे बड़ी अव्यवस्था है उसे भी दुरुस्त करनी है, और परकोटे में और छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं हैं जो निराकरण अभी तक हो नहीं पाया, वो सारी समस्याओं का निराकरण हम लोग पूरा विधिवत एक सिस्टम बनाकर करेंगे कि परकोटे के लोगों को परेशान ना होना। राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? सभी संतों को, हमारे पुराने सभी कार्यकर्ताओं को, 492 के संघर्ष को, सभी हमारे जितने शहीद हुए, समर्पित हुए राम जी को, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और अभी मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम और भाजपा परिवार को, जो प्रारंभ से विश्व हिंदू परिषद हुआ, स्वयंसेवक संघ हुआ, बजरंग दल हुआ, सब ने प्रारंभ से इसका संघर्ष किया। एकमात्र कोई पार्टी समर्थन करती थी
इन सभी संगठनों के साथ मिलकर, तो वो भाजपा थी और वही समर्थन करती थी, राम जी की बात वही करती थी, और दूसरे लोग काल्पनिक बताते थे। राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम जी को काल्पनिक बताया, कथा कहानी में किस्सा बताया, तो जो इन्होंने काल्पनिक बताया और उसके बाद जो सत्यता थी वो फिर सामने आई, और जो हमारे आराध्य सबके इष्ट देव भगवान राम, उनका भव्य मंदिर बन गया, राम जी उसमें विराजमान होने वाले हैं। पूरा दुनिया इस बार दिवाली 3 मनाने वाली है। प्रथम दिवाली तो हमारी लक्ष्मी जी की पूजा की है, दूसरी दिवाली हमारे राम जी महाराज विराज रहे हैं, वह दिवाली है जनवरी में, और उससे पहले एक दिवाली बनने वाली है 25 तारीख को, कमल के पुष्प पे मोहर लगेगी और फिर भव्य दिवाली फिर बनने वाली है। सभी जान रहे हैं कि बड़ा त्यौहार दीपोत्सव धनतेरस की शुरुआत होने जा रही है, तो सिर्फ राजस्थान की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिवाली पे आपकी तरफ से। वर्तिका बहन जी की और इस पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं, इसके माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारा दीपोत्सव मंगल में हो, राम जी की कृपा सब पर बरसे, माँ लक्ष्मी की अंधन की कृपा सब पे बरसे, और साथ में पूरे राजस्थान और प्रदेशों में जहाँ जहाँ भाजपा चुनाव लड़ रही है भारी बहुमत से जीते और कमल का फूल खिले, ऐतिहासिक बहुमत हमें आवे और जनता का आशीर्वाद मिले, हम खूब सेवा के काम करें, मोदी जी के जो संकल्प उसको लेकर आगे बढ़े, यही कामना मैं भगवान के चरणों में करता हूँ। राजधानी जयपुर विशेष तौर पे राजस्थान का गढ़ माना जाता है, अभी यहाँ पे एक मेजर परिवर्तन हुआ 3 सीटों पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो पूर्वज जिनके हम लोग कदम जिनके देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं, जिनकी प्रेरणा हम पर रही है, वो हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी भाई साहब, जो भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, दूसरे हमारे गिरधारी लाल जी भार्गव साहब, ऐसे सांसद जो साइकिल पे, स्कूटर पे, पैदल पे चला करते थे। एक छोटी सी बात, मैं भंवर जी भाई साहब के पास कोई काम लेके गया, वो पजामे में और उसमें पेपर पढ़ रहे थे एक बनियान में, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, उसके आप कुछ लाए हो क्या, साथ चले गए वो काम के लिए। अच्छा। साथ चले गए, आप सोचो इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा पद, उसके बाद कोई उनको शान गुमान नहीं, वो चल देते थे, रिक्शे में बैठ के चल देते थे। ऐसे सेवा के काम करने वाले हमारे जो पूर्वज रहे, उनकी प्रेरणा हम लोगों को मिली है, ये परंपरागत गढ़ उनका रहा है। गिरधारी लाल जी खुद स्कूटर लेके चल देते थे किसी काम के लिए और काम करवा के उस व्यक्ति को वापस के घर छोड़ते थे। ऐसे ऐसे लोगों का जो ये कार्यकर्ताओं का गढ़ रहा है ना, जिनका उनकी त्याग और तपस्या रही है इसको सींचने में, इस पूरे परिवार को, ऐसे लोगों का जयपुर गढ़ रहा है। उन्होंने यहाँ संगठन को बहुत बड़े रूप में खड़ा किया है और उन्हीं के खड़े किए में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ आज बन गई कि हमारी परंपरागत सीटें वो, लेकिन इस बार मैं बताऊँ, उन्हीं का आशीर्वाद से और जनता की पूरे सहयोग से ऐसा मानस लोगों ने बना भी लिया है और 100% इस बार हम लोग 3 सीट को जयपुर परकोटे की हम जीत के आएंगे। उन्हीं लोगों को ये कमल का फूल खिलाकर, भंवर जी भाई साहब को, गिरधारी लाल जी भार्गव को, उजला अरोड़ा जी को, जो हमारे पूर्व में ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं कि हमारे यहाँ पद प्रतिष्ठा की बात नहीं होती, संगठन में कार्यकर्ता सर्वोपरि पद है, वो उनको हम समर्पित करेंगे इस बार ये सीटें लाकर, यही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम कार्यकर्ता मिलकर। इसीलिए मैंने कहा कि हम आपकी छवि को बहुत अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि संत परिवार से हैं आप, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप जमीन से लोगों के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को आप आज नहीं देख रहे हैं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, तो बहुत करीब से देखा है आपने चीज़ों को। इसलिए मैंने ये बात आपको पहले ही कही थी कि हम आपकी छवि को बहुत अलग रूप में देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपसे और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे राजस्थान की, पूरे प्रदेश की जो देवतुल्य हमारे जनता है, उन सबको मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को लोकतंत्र का पर्व है, उस लोकतंत्र के पर्व पे ज़्यादा से ज़्यादा 100% घरों से निकलना है, मतदान करना है, और मैं तो निवेदन करूँगा आपको कि कमल का पुष्प खिलाकर और पूरे राजस्थान में समृद्धि लानी है, सुख लाना है, शांति लानी है, 5 साल की नहीं 500 साल की गारंटी लानी है। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो इस बार राजस्थान में 100% हमें वापस लानी है।